पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा आज गया पहुंची, जहां उन्होंने गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मोदी और नीतीश के सामने लालू यादव नहीं झुके तो उनका बेटा तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। आरजेडी नेता ने कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, यदि साथ दीजिएगा तो नया बिहार बनाएंगे, यहाँ कारखाने लगाएंगे, विकास के काम बढ़ेंगे, नौकरी और रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सब कुछ बेहतर होगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी बताया, कहा जो भी कचरा होता है बीजेपी में आ जाता है। तेजस्वी आपके लिए मत मिटने को तैयार रहेगा। हम सब लोग यही चाहते हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। बिहार अव्वल राज्यों में आए, तरक्की करे, बिहार में कारखाने खुले, लोगों को नौकरी रोजगार मिले, बिहार में निवेश आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसी काम में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लगे रहे और बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। आप सब लोगों को, खास तौर पे जो अंतिम पैदान पे समाज हमारा खड़ा है, उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें, इसी काम में हम लोग लगे हैं। हमारे महागठबंधन को आप लोगों ने 20 में सरकार बना दिया था, लेकिन 10-12 सीट बेईमानी करके, जैसे चंडीगढ़ में मेयर वाले में बेईमानी किया, वैसे ही बेईमानी करके किसी को 12 वोट से हरा दिया, किसी को 50 वोट से हरा दिया, किसी को 100 वोट से हरा दिया, बैलेट पेपर जो है रद्द कर दिया, पोस्टर रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग स्वीकार के विपक्ष में आने के लिए, और 122 बहुमत चाहिए, आप लोगों ने 115 का ताकत दिया, केवल 7 सीट हम लोग सत्ता से दूर है, और टोटल वोट में एनडीए और महागठबंधन का बेईमानी के बाद 12,000 का ही अंतर रहा। ये तब की बात है जब कोविड का दौर था, बिहार का अकेला चुनाव चल रहा था, भाजपा चाचा मांझी जी, कुशवाहा जी, सब लोग एक थे, एक नहीं 30-30 हेलीकॉप्टर उनका उड़ता था। लेकिन एक बात तय है, ना उनका कोई विजन है, ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। क्या रीजन है भाई? कोई रीजन नहीं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं, आप लोग ताकत दीजिएगा। अरे ताकत मिलेगा तो सोचिए, अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहते हुए वैसे मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, उनसे हमने अगर 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया, तो एक मौका अगर तेजस्वी को मिलेगा तो हर एक बेरोजगारों का दुख का दर्द को दूर करेंगे। तो हम कहेंगे कि जितने नौजवान हैं और जितनी महान जनता है और इंडिया महागठबंधन, एक एक ही तारीख को आप लोग आ जाइए पटना में, इसराइली को सफल बनाने का काम करना। अगर इसराइली को आप सफल बनाते हैं तो हमारा जो दिल्ली का जो रास्ता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये निवेदन हम करने के लिए आए हैं आपके बीच में। बहुत बहुत यहाँ पे हमको अच्छा लगा यहाँ आकर के।